रिफर नहीं करवा रहे हैं, डॉक्टर ने रिफर कर दिया लेकिन पुलिस नहीं रिफर करने, पुलिस जबरदस्ती एम्बुलेंस रोक करके रखी है। हमारा साथी की तबीयत इतनी खराब है, हम लोग को लगातार इतनी चोटें लगी है, पुलिस प्रशासन एकदम और दबाव में की खबर इधर टहला रही है, ना जाने दे रही है, ना तेरी जबरदस्ती बैठाई पड़ी है। अगर हम लोग के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे, हम लोग की हत्या के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे, हम लोग को चोट लगी है इससे, लेकिन हमारे साथी को, हमारे किसी भी साथी को कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होगा। अभी महेश यादव है हमारे साथी, महेश यादव की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, पिछले एक घंटे से डॉक्टर ने अजंता हॉस्पिटल के सामने हम लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने रिफर कर दिया है, लेकिन ये लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले रहे। पुलिस इलाज के नाम पर लोग घुमा रही है हमारे साथी की स्थिति। पहले तो बुरी तरह से पीटा और उसके बाद शुभम भाई, एक गणेश, एक भाई 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 बोल रहा नहीं है, क्या नाम है आपका? अवनीश यादव, पूरे छात्र संघ, क्या मामला है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जनता हॉस्पिटल के बाहर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, हम नौजवानों के ऊपर बेरहमी से लाठियां चलाई, यहाँ तक की गोलियां तक चलाई, जब हम लोग को पुलिस जब हॉस्पिटल लेकर आ गया तो यहाँ पे पुलिस जिला वाली कर अजंता हॉस्पिटल हम लोग को लाया गया था और अजंता हॉस्पिटल आकर छोड़ दिया गया है, रोड नंबर बजे मेरे को रिफर किया है डॉक्टर, रिफर किसी की चीज लेनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन हिलावाली कर रही है और हम लोगों की जान से, अगर हमारी हमारी अगर किसी कारण से अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी आदित्यनाथ होंगे और उनकी पुलिस होगी, और हम लोग को सड़क पर रोककर रखा पड़ा इलाज के लिए, देख सकते हैं सारे अधिकारियों उसका न जाइए, आप ऊपर गलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।